हाय अगेन। सो अभी जो मैंने पिछले वीडियो में कंसेप्ट समझाया था वो था बाइनरी सर्च और आंसर। मैंने क्या बोला था, इसका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन क्या है, पीक एलिमेंट, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं पीक एलिमेंट से, ठीक है। तो अपना फ्लो क्या रहेगा पढ़ने का, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर अपन ने जैसे इसमें डिस्कस किया था कि इसमें अपने को क्राइटेरिया चाहिए रहे होंगे, मिड आंसर आंसर है कि नहीं है, जो मिड पे अपन निकालेंगे वो आंसर है या नहीं, फिर लेफ्ट में राइट में जाना है, ठीक है, किसी एक जगह पे जाना है, ठीक है। बेसिकली ये अगर एरे है तो अपने को यहाँ पर मिड होता है, तो अपने चेक करना पड़ेगा कि मिड आंसर है कि नहीं, पहले तो उसके लिए क्राइटेरिया निकालना है। और उसके बाद अगर मिड आंसर है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो अपने को या तो लेफ्ट में जाना तो राइट में जाना, तो उसके लिए भी क्राइटेरिया निकालना पड़ेगा, और फिर इसके लिए अपन कोड लिखेंगे, सिंपल है। ओके, तो अपन आ जाते हैं, अपन शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, इनपुट में अपने को एक एरे दे रखा हुआ, दिस एरे विल नॉट बी अ सॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट में अपने को देना होगा इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट, अच्छा इंडेक्स ऑफ पीक एलिमेंट, ठीक है। अब मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम समझोगे कैसे कि ये अनसॉर्टेड एरे है, पर इसमें बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं अपन, अपने को पता कैसे चलेगा कि अनसॉर्टेड में बाइनरी सर्च कब लगानी है, हर जगह लगानी है, नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन तो होगा ना इस अनसॉर्टेड एरे का बाइनरी सर्च से, वो भी अपन देखते हैं। तो पहले अपन समझते हैं इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न करना है, तो पीक एलिमेंट है क्या, इन लोगों ने पीक एलिमेंट को कैसे डिफाइन करा है। पीक एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसे लेट्स से ये पीक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट अपने दोनों नेबर से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये एलिमेंट अगर पीक एलिमेंट है तो ये अपने दोनों नेबर से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें अपन देखते हैं क्या ये अपने दोनों नेबर से ग्रेटर है, तो इसके पास ये नेबर तो है नहीं, तो अपन एक ही नेबर से चेक करेंगे, ये तो ग्रेटर नहीं है, कि ये अपने दोनों नेबर से ग्रेटर है, तो 5 से तो ग्रेटर है पर 20 से ग्रेटर नहीं है। 20 के लिए देख लेते हैं, 20 क्या 10 से ग्रेटर है, हाँ है, 15 से ग्रेटर है, हाँ है। तो बेसिकली 20 जो है वो अपना पीक एलिमेंट हो गया, 15 इससे ग्रेटर नहीं है, एक ही नेबर से तो 15 भी नहीं है, तो 20 अपना पीक एलिमेंट हो गया। तो अपना आउटपुट में क्या देना पड़ेगा, इसका इंडेक्स 0 1 2 3, आउटपुट में अपन रिटर्न कर देंगे 2, क्या है 2, इंडेक्स ऑफ पीक एलिमेंट, ठीक है, पीक एलिमेंट का इंडेक्स है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा पीक एलिमेंट जरूरी नहीं है एक हो, पीक एलिमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एरे में। सो बेसिकली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 20 15 2 23 90 67, ठीक है, देख लेते हैं क्या 10 अपने दोनों नंबर से ग्रेटर है, इसका ये नंबर तो है नहीं, तो अपन इसके लिए यही चेक करेंगे, 20 से तो लेस है, 20 दोनों से ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर, 20 पीक एलिमेंट हो गया, 15 लेस से 20 से, ठीक है, 2 लेस से 15 से नहीं हो सकता, 23 लेस से 90 से नहीं हो सकता, 90 ग्रेटर देन 67 से भी है, इससे भी है, तो 90 भी एक पीक एलिमेंट हो गया, 67 लेस से 90 से नहीं हो सकता। सो बेसिकली इसमें 20 और 90 दो पीक एलिमेंट है, अच्छा अरे बात समझ, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीक एलिमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अपने को कोई सा भी रिटर्न करना है। अगर अपन जैसे कि इस वाले केस में इसका इंडेक्स क्या 0 1 2 3 4 5 6, तो दो पीक एलिमेंट, एक 1 पे इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक इंडेक्स 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो बेसिकली अपन 1 भी आउटपुट करें या अपन 5 भी आउटपुट करें, आइदर ऑफ देम विल बी करेक्ट, राइट। अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 20 30 40 50 लिखा हुआ है, इसमें पीक एलिमेंट क्या है, तो बेसिकली ये 10 20 से कम है, ये इससे कम है, 30 से कम है, ये 40 से कम है, 40 से कम है, 50 के लिए क्या है, दो नेबर नहीं है ना, बेसिकली ये नेबर नहीं है, तो इसको अपने को ये इससे ही चेक करना है, केवल अगर ये इससे ग्रेटर है तो हाँ ये पीक एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन उल्टा लिख देते हैं इसको, सो ये 50 को 50 के दोनों नेबर तो है नहीं, तो अपने को केवल इससे चेक करना है। तो बेसिकली अपने पास जो एरे है ना, तो ये जो लास्ट के ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसके लिए ये वाला एलिमेंट, ये वाला नेबर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये वाला प्रेजेंट नहीं होता, तो ये पीक एलिमेंट कहलाएंगे अगर ये केवल इससे ग्रेटर हो, और ये पीक एलिमेंट कहलाएगा अगर ये केवल इस वाले एलिमेंट से ग्रेटर हो। इतनी बात समझ में आ गई, इनके लिए खाली एक नेबर है तो इनको बस इससे ग्रेटर होना होगा, तो ये पीक एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अच्छा अभी अपन क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, उससे पहले मैं तो चाहता हूँ तो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगेगी, अपने पास आइडिया कैसे आया कि बाइनरी सर्च लगानी है इसमें, ठीक है, बाइनरी सर्च और आंसर के अलग कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपने को ये समझ में कैसे आ रहा है, वैसे उतना समझ में आ गया कि इनको जो है ना लास्ट एलिमेंट को इससे ग्रेटर होना होगा और इससे ग्रेटर होना होगा, ठीक है। अब अपने को ये समझ में आ गया कि पीक एलिमेंट एक भी हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, यहाँ पर था, और जो लास्ट के जो एलिमेंट होते हैं ना
उनको क्या होना होता है कि जैसे ये वाला एलिमेंट है तो उसको केवल एक नेबर से ग्रेटर होना होता है, और इस वाले एलिमेंट को भी केवल इससे ग्रेटर होना होता है, दोनों नेबर के लिए नहीं देखना होता। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया कि पीक एलिमेंट का अपने को इंडेक्स चाहिए। अब अपना वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। बाइनरी सर्च में क्राइटेरिया चाहिए अपने को मिड, पहले तो ये जो बीच वाले मिड चेक करेंगे तो ये आंसर है कि नहीं, और आंसर नहीं है तो अपने को लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, बेसिकली अपने ये क्राइटेरिया वाला अपन इस पर आते हैं। सो यहाँ पर ये रहे है मेरे पास, ठीक है, इसमें ये पीक एलिमेंट था। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई क्राइटेरिया चाहिए कि मैं जब एरे में बाइनरी सर्च लगाऊं, ये तो था बाइनरी सर्च और आंसर वाला कंसेप्ट था। इसमें एरे क्या है, अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड एरे है, राइट, अनसॉर्टेड एरे दे रखा है। अब पर मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को अनसॉर्टेड एरे में भी बाइनरी सर्च लगानी है। ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी सर्च जैसे लगाता था, मैं स्टार्ट लिखूंगा, स्टार्ट लिखा, एंड लिखूंगा, एंड लिखा, यहाँ पर मिड लिखा। ठीक है, अब ये मिड जो है, अब मैं कोई कह, जैसे वहां पर क्या होता था बाइनरी सर्च में, अपन एक्स के संग कंपेयर करते थे सिंपल, कि एक्स के इक्वल है कि नहीं है, सिंपल पता चल जाता था कि मिड आंसर है, मिड इज आंसर और नॉट, पता कैसे चल जाता था कंपेयर करके सिंपल, कि इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की एलिमेंट है या नहीं। यहां पर अब बाइनरी सर्च और आंसर लगा रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगा, अपने को कोई क्राइटेरिया डेवलप करना है कि ये आंसर है कि नहीं, मिड जो है ये आंसर है कि नहीं। बेसिकली आंसर क्या है, अपने को निकालना है मिड में जो भी है वो पीक एलिमेंट है कि नहीं है। तो बेसिकली पीक एलिमेंट अपने को निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज मिड इज आ पीक एलिमेंट और नॉट। सो मिड पीक एलिमेंट है या नहीं कैसे पता चलेगा, पीक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, आ पीक एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ इज नेबर्स, इससे भी ग्रेटर होगा, इससे भी ग्रेटर होगा। तो अपन मिड को, मिड पीक एलिमेंट है कि नहीं अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन अगर मिड को चेक कर लें मिड प्लस वन से, और मिड को चेक कर लें मिड माइनस वन से, राइट। अगर ये इन दोनों से ग्रेटर आ गया, अगर ये इन दोनों से ग्रेटर आ गया मिड अपने पास, तो मिड अपने पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, चेक करते टाइम पे अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लेट से मिड पहला एलिमेंट है तो यहाँ पर केवल मिड प्लस वन एग्जिस्ट करता है, मिड माइनस वन एग्जिस्ट नहीं करता। और अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा लेट से मिड आखिरी एलिमेंट है तो यहाँ पर केवल मिड माइनस वन एग्जिस्ट करता है, मिड प्लस वन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पर एज ऑफ नाउ लेट से अभी इसको अपन जब कोड लिखेंगे तो ये जो क्या बोलते हैं इनको, एकदम साइड वाली कंडीशन है ना, एज कंडीशन जो है, एज कंडीशन का अपन ख्याल जब अपन कोड लिखेंगे तब रख लेंगे। एज ऑफ नाउ अपन ये समझ में आ गया कि अपने को आंसर क्राइटेरिया कि मिड आंसर है या नहीं वो कैसे निकालेंगे, अपन कंपेयर कर लेंगे। अगर एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन आ गया एरे ऑफ मिड माइनस वन, एंड एरे ऑफ मिड अगर ग्रेटर आ गया एरे ऑफ मिड प्लस वन, मिड प्लस वन से भी ग्रेटर आ गया और मिड माइनस वन से भी मिड अपना ग्रेटर आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया तो अपने को निकल के आ गया कि आंसर कैसे है, पर लेट से अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये मिड पीक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर पीक एलिमेंट नहीं निकला ये, तो अपने को भी लेफ्ट में जाना पड़ेगा और अपने को राइट में जाना पड़ेगा। तो अभी अपने को डिसाइड करना है कि अपन राइट में जाएँ या अपन लेफ्ट में जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है देखते हैं। क्या था अपने पास एरे, एरे लिख लेता हूँ 5, 10, 20, 15, राइट। सो 0, 1, 2, 3 मैंने स्टार्टिंग करी, स्टार्ट यहाँ से है, राइट, एंड यहाँ पर है, और मैंने बोला कि 0 + 3/2 इज इक्वल टू मिड। सो बेसिकली मिड आ गया 1, तो मिड है यहाँ पर, एम आई राइट, ओके, आई एम ऑलवेज राइट, है ना। अभी देखो क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, मिड यहाँ पर है। अब यहाँ पर मेरे को चेक करना है क्या मिड एलिमेंट जो अपन है एरे ऑफ मिड पे, क्या ये पीक एलिमेंट है। अपन ने चेक कर लिया, कंपेयर कर लिया इसको, इससे ग्रेटर है, कंपेयर किया अपन ने इसको मिड प्लस वन से, मिड प्लस वन से ग्रेटर नहीं है। तो बेसिकली अपने पता चल गया कि ये ग्रेटर पीक एलिमेंट नहीं है, ये क्वालिफाई नहीं करता पीक एलिमेंट लिए। तो अभी अपने को डिसाइड करना है, क्योंकि ये पीक एलिमेंट नहीं है, तो अभी अपने को डिसाइड करना है या तो इसके लेफ्ट में जाएँ या तो इसके राइट में जाएँ। ठीक है, कौन सी चीज़ अपने को इसका राइट एरे मोर प्रॉमिसिंग लगता है कि इसका लेफ्ट एरे मोर प्रॉमिसिंग लगता है, कहाँ पर अपने को आंसर मिलने की उम्मीद है, यही तो बात है बाइनरी सर्च और आंसर। अपन देखते हैं कि अपने को आंसर मिलने की उम्मीद कहाँ पर है, तो अपन देखते हैं। मेरे पास एरे था 5, 10, 20, 15, ठीक है,
अपन ने क्या करा, अपन ने इसको कंपेयर किया इससे। अच्छा मैंने ये समझ में आ गया कि ये तो अपने पास, ये तो पीक एलिमेंट नहीं है, मेरे को इतना तो समझ में आ गया पीक एलिमेंट ये नहीं है। तो अपन ने इसको इससे कंपेयर किया, तो क्या ये पीक एलिमेंट हो सकता था क्या? क्या ये पीक एलिमेंट हो सकता था? ये पीक एलिमेंट तो और नहीं हो सकता क्योंकि इससे ग्रेटर तो यही है। तुम बताओ एक बार, मेरे को ये समझ में आ गया कि 10 पीक एलिमेंट नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ जिससे मैंने कंपेयर किया था 5 और 20 में से, मेरे को उसके लेफ्ट एरिया में जाना है, मेरे को उसके राइट एरिया में जाना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली देखता हूँ कौन सा एरे प्रॉमिसिंग है, मैं डिसाइड करता हूँ इसके एग्जैक्ट नेबर से, यहाँ से डिसाइड करता हूँ। या तो ये इससे डिसाइड करूंगा कि ये वाला एरे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कि ये वाला एरे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है 5 से 20 से। कैसे 5 से 20 डिसाइड करूंगा? ये पीक एलिमेंट नहीं है। पीक एलिमेंट नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका कोई ना कोई नेबर इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों बड़े होंगे, तो कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा ही होगा, तभी तो ये पीक एलिमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो अपन देखते हैं अगर ये, क्या 5 पीक एलिमेंट हो सकता है? अपने को क्या पता है 5 पीक एलिमेंट हो सकता है क्या? तो अपने को इतना तो पता ही है कि 5 पीक एलिमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? 5 से बड़ा तो 10 ही है ना। अपने को इधर का तो नहीं पता, इसके इधर के नेबर का तो नहीं पता कि ये इससे बड़ा है या नहीं, पर अपने को इतना तो पता है कि 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 से बड़ा तो 10 ही था, ठीक है। क्या 20 पीक एलिमेंट हो सकता है? 20 पीक एलिमेंट हो सकता है, ये प्रॉमिसिंग है। ये प्रॉमिसिंग कैसे है? क्योंकि इसका एक नेबर तो अपने को पता है कि इसका एक नेबर कौन सा है, 10। दूसरा नेबर क्या है वो अपने को अपने नहीं पता, ठीक है। पर एक नेबर तो पता है जो 10 है, वो तो इससे छोटा था तभी तो वो पीक एलिमेंट नहीं बन पाया, राइट। वो इससे छोटा था तभी तो वो पीक एलिमेंट नहीं बन पाया। तो इसका एक नेबर तो छोटा है, पर दूसरा नेबर इससे छोटा है या नहीं वो अपने को नहीं पता। तो अगर अपन देखें इसकी लेफ्ट साइड में और इसकी राइट साइड में, तो अपने को मोर प्रॉमिसिंग साइड कौन सी लग रही है कि किधर पीक एलिमेंट मिल सकता है? पीक एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड में मिल सकता है। लेफ्ट का तो अपने को डेफिनेटली पता है ना कि भाई 5 तो इससे ही छोटा है, तो इसका ये एलिमेंट चेक करो चाहे मत करो, 5 तो पीक एलिमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 तो 10 से ही छोटा है ना, अपने को साफ साफ पता चल रहा है। पर 20 के लिए तो पता नहीं चल रहा है। 20 के लिए जो एक नंबर तो अपने को लग रहा है कि हाँ एक नंबर से तो 20 बड़ा है, अब दूसरे से बड़ा है कि नहीं ये अपने को निकालना है। इसका तो अपने पता चल ही गया कि ये तो एक से ही नहीं बड़ा है, दूसरे से बड़ा है कि नहीं उससे तो मतलब ही नहीं है, इससे ही बड़ा नहीं है तो पीक एलिमेंट तो होगा नहीं। तो मोर प्रॉमिसिंग साइड कौन सी होगी? राइट साइड होगी। आई बात समझ नहीं आई तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ। 5, 10, 20 और 15 है, मेरे को पता चल गया कि 10 पीक एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसका लेफ्ट नेबर चेक किया और राइट चेक करा तो लेफ्ट से तो बड़ा है पर राइट से बड़ा नहीं है। अब मेरे को लेफ्ट इसके एरे में चाहिए जाना है या तो राइट में जाना है। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन सी साइड मोर प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग साइड कैसे पता चलेगी? ऐसे पता चलेगी कि अपन इसका ये वाला कंपेयर करेंगे और ये वाला कंपेयर करेंगे। अपने को और साइड का नहीं पता, अपन इसके जो नेबर है वो देखते हैं। क्या ये पीक एलिमेंट हो सकता है? क्या ये पीक एलिमेंट हो सकता है? 5 के लिए देखते हैं। 5 का यहाँ पर कोई नेबर होगा तो यहाँ पर नेबर तो 10 है, तो 5 तो 10 से ही छोटा है, तो अपने को डेफिनेटली पता चल गया कि 5 तो पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। 20 के लिए देखते हैं। 20 इससे क्या होगा ये अपने को नहीं पता, पर अपन इससे कंपेयर करके तो देख सकते हैं ना। तो 20 10 से बड़ा है तो ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कि ये पीक एलिमेंट बन सकता है अगर ये इससे भी बड़ा हुआ। ये तो पीक एलिमेंट बन ही नहीं सकता अगर लेट से ये इससे बड़ा होता, यहाँ 2 होता, इससे बड़ा होता भी, पर ये तो इससे छोटा है, ये तो अपने को पहले ही पता चल गया ना। तो मोर प्रॉमिसिंग क्या होगी? राइट साइड होगी। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, कोई इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो अभी सम अप कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं फटाफट कि अपन ने क्या क्या सीखा। अपन ने सीखा कि अपन ये एरे हैं और यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा, अपन ही मिड निकालेंगे, मिड निकालेंगे और मिड को कंपेयर कर लेंगे अपन मिड -1 और मिड +1 से। अगर ये दोनों से बड़ा आ जाता है, मिड जो है वो मिड -1 और मिड +1 दोनों से बड़ा आ जाता है इनके एलिमेंट से, तो बेसिकली ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर अपन ने बोला अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आंसर नहीं होगा, तो अपने को लेफ्ट साइड में जाना है तो राइट साइड में जाना है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में जाना है और राइट साइड में जाना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो एलिमेंट बड़ा है इससे मिड से, अगर एरे ऑफ मिड +1 या 20 था ना तो वो बड़ा है तो अपन राइट साइड में जाएंगे, और एरे ऑफ मिड -1 बड़ा है तो अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे। बेसिकली जो बड़ा है जिसकी वजह से ये पीक एलिमेंट नहीं बन पाया, यहाँ पर 10 था ना, 5 और 20 था, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मान लो। तो बेसिकली ये जो 10 था और 10 पीक एलिमेंट किसकी वजह से नहीं बन पाया? 5 की वजह से नहीं बन पाया कि 20 की वजह से नहीं बन पाया? 20 की वजह से नहीं बन पाया, तो 20 इससे बड़ा है तो अपन इस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ गया कि लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, किस साइड में जाना है। जो भी मिड -1 या फिर मिड +1, जो भी मिड से बड़ा हुआ, या मिड +1 में अगर बड़ा हुआ तो अपन मिड +1 के साइड में जाएंगे, मतलब राइट साइड में जाएंगे।
और मिड माइनस वन बड़ा हुआ मिड से, तो अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे, जो भी बड़ा हुआ उस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना सिंपल समरी हो गई, ठीक है। और बाकी अपन बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, बाइनरी सर्च जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे, सिंपल अपन लो से, लो को स्टार्ट करेंगे जीरो से, हाई को लेंगे साइज माइनस वन से, ठीक है। और जैसा लूप लगाते थे अपन, वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, सेम लूप लगाएंगे। और उसमें अपन जैसे अपन इफ बाइनरी बाइनरी का वो चेक करते थे ना बाइनरी के लिए, वैसे अपन यहाँ पर ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, और फिर लेफ्ट और राइट जाने के लिए ये कंडीशन चेक करेंगे। पर मैं तुम्हें इसका सोच रहा हूँ पूरा कोड लिख के बता देता हूँ पीक एलिमेंट का, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है अपने आप में, डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट प्रॉब्लम है मेरी, और इस पर आगे भी काफ़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, तो मैं इसका कोड करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले तो इनिशलाइज कर लेते हैं ना, लो को जीरो से और हाई को साइज माइनस वन से कर लेना इनिशलाइज, ठीक है, इनिशलाइजेशन में कर लेना। अब मैं बताता हूँ तुमको कोड, चलने वाला कोड लिख देता हूँ मस्त, कोई स्यूडो कोड वाली दिक्कत नहीं है। इफ लो इज लेस देन हाई, ठीक है, ये जो बाइनरी सर्च का मेन लूप होता है वही लूप लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने बोल दिया कि ये एरे है, संग संग एरे चलाते जाओ। कोड लिखने का सबसे अच्छा तरीका, एक बार ट्राई रन कर लो अच्छे से, देखते जाओ कि कैसे क्या हो रहा है, वैसे अगला क्या लिखना है वो देखते जाओ। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, अरे यार मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ तो लो हाई लिख देता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट एंड करता हूँ, पता नहीं क्यों करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मिड निकालना है, तो अभी मिड निकालना है, तो सो मिड निकाल लूंगा, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू, ऐसे ही निकालना हर बार, ताकि इंटीजर ओवरफ्लो नहीं हो, ठीक है, इंटीजर ओवरफ्लो। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी मुझसे फ्लिपकार्ट के क्वेश्चन में पूछी थी, इस पे ना इस पे काफ़ी अच्छी उन्होंने कंसेप्ट पूछा था मेरे से क्वेश्चन, जिसको मैं ये कंसेप्ट यूज़ होता था कि इंटीजर ओवरफ्लो बचाने का, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ हुआ था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर मैंने बोला कि मिड निकाल लिया, मेरे को चेक करना है क्या ये मिड आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे को चेक करना है कि ये मिड माइनस वन से बड़ा होना चाहिए और मिड प्लस वन से भी बड़ा होना चाहिए, तो मिड प्लस वन और इधर मिड माइनस वन, इनसे बड़ा होना चाहिए। मेरे को एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मिड एकदम यहाँ पर है तो इसका केवल मिड प्लस वन चेक करना है, और केवल मिड यहाँ पर है तो इसका केवल मिड माइनस वन चेक करना है, क्योंकि इसका ये वाला नेबर नहीं होगा, इसका ये नेबर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ मिड इज ग्रेटर देन जीरो एंड मिड इज लेस देन साइज माइनस वन। तो बेसिकली मैंने बोल दिया कि मिड जो है वो ये लास्ट का इस ये नहीं है और ये वाला नहीं है, इसके बीच में, ताकि मैं दोनों नेबर चेक कर सकूं फ्रीली, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा है तो इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड माइनस वन, ठीक है, एंड एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड प्लस वन। ये लिखने से क्या हुआ, ये लिखने से मेरे को पता चल गया कि मिड इसमें नहीं है, इन दो कंडीशन को मेरे को, ये एच कंडीशंस को मैं अलग चेक कर लूंगा। बेसिकली अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो एरे है ना अपना, ये और ये मिड नहीं हो सकता, जीरो से ग्रेटर है और साइज माइनस वन से कम है, मतलब मिड यहाँ तक हो सकता है, तो मैं दोनों नेबर फ्रीली चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला अगर ऐसा हो रहा है कि मिड मिड प्लस वन से भी ग्रेटर है और मिड माइनस वन से भी ग्रेटर है, तो मेरे को रिटर्न कर देना है मिड, क्योंकि वही पीक एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं है, अगर एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को या तो लेफ्ट में मूव करना है या तो राइट में मूव करना है। अब लेफ्ट और राइट में मूव करना है वो कैसे पता चलेगा, मैंने बोला था जो सा बड़ा हो, मिड प्लस वन बड़ा हो या फिर मिड माइनस वन बड़ा हो, जो भी साइड बड़ी हो उस साइड में मूव करना है। तो बेसिकली मैं चेक करूंगा इफ एरे ऑफ मिड माइनस वन, जिसकी वजह से वो पीक एलिमेंट नहीं बन पाया, जैसे यहाँ पता ना 10, 20 और 5, तो ये किसकी वजह से नहीं बन पाया था, 20 की वजह से नहीं बन पाया था, तो अपने इस साइड में मूव कर रहे हैं ना, तो बेसिकली वही काम करना है अपने को। अगर मिड माइनस वन एरे ऑफ मिड से ग्रेटर है सो मैं लेफ्ट साइड में मूव करूंगा, तो हाई, अगर मैंने क्या बोला कि ये जो है ना ये मिड माइनस वन ये ग्रेटर है, तो मैं हाई को यहाँ पर ले आऊंगा, यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई है, तो हाई इज इक्वल टू यहाँ पर मिड था, सो हाई बेसिकली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा मिड माइनस वन, ठीक है। और एल्स लो यहाँ पर, नहीं तो अगर ये ग्रेटर है तो मैं लो को यहाँ पर मिड प्लस वन ले आऊंगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन। आगे बात समझ, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाइल लूप अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये वाइल लूप चल रहा है, ये इफ लूप यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या बचा, मैंने चेक कर लिया एरे में कि मिड के लिए कंडीशन चेक कर ली, लेफ्ट मूव करना राइट मूव करना। अभी एक चीज बची है, जो मैंने बोला था कि मिड ये नहीं हो सकता, लास्ट के दो एलिमेंट नहीं हो सकते, ये और ये एलिमेंट छोड़ दिए थे ना मैंने, उन दो एलिमेंट के लिए मैं सेपरेट कंडीशन चेक कर लूंगा। कैसे सेपरेट कंडीशन चेक कर लूंगा, नीचे लिख दूंगा इसके कि एल्स इफ
पहले तो अपन ने बोला था क्या मिड इज ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन मिड इज लेस देन साइज माइनस वन है ना, सॉरी अभी दिख रहा है वो। तो अभी मैंने बोला था इफ मिड इज ग्रेटर देन जीरो और मिड इज लेस देन साइज माइनस वन, उसके आगे से शुरू कर रहे हैं एल्स इफ क्या बोल रहा हूँ, मिड इज इक्वल टू जीरो, मिड इज इक्वल टू जीरो। अगर मिड जीरो है, मिड यहाँ पर है ठीक है, तो मेरे को मिड को चेक करना है केवल मिड प्लस वन से, मेरे को केवल चेक करना है मिड को मिड प्लस वन से। तो मैं बोलता हूँ इफ एरे यहाँ पर है ना जीरो पे, मिड इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे को केवल जीरो को चेक करना होगा इंडेक्स वन से। मतलब इफ एरे ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एरे ऑफ वन है तो रिटर्न कर दूंगा जीरो, पीक एलिमेंट जीरो पे होगा, एल्स रिटर्न कर दूंगा वन, नहीं तो पीक एलिमेंट यहाँ पर होगा। ऐसे ही मेरे को चेक करना है एल्स इफ अगर मिड इज इक्वल टू क्या है साइज माइनस वन। सो मिड लास्ट है, लास्ट है तो मेरे को साइज माइनस वन पे को केवल कंपेयर करना पड़ेगा साइज माइनस टू से ठीक है। सो बेसिकली मैं बोलूंगा इफ एरे ऑफ साइज माइनस वन इज ग्रेटर देन साइज माइनस टू है एरे ऑफ साइज माइनस टू, मतलब ये ग्रेटर है इससे, खाली इससे कंपेयर करना तो पीक एलिमेंट दिया जाएगा क्योंकि इसका ये नेबर नहीं है ना। साइड वालों को एडवांटेज मिलता है, साइड वालों को केवल एक ही नेबर होता है जिससे कंपेयर करना होता है। बेसिकली जो सा बड़ा होगा वो रिटर्न कर दूंगा, अगर मेरा साइज माइनस वन जो है ये ग्रेटर देन साइज माइनस टू है तो रिटर्न कर दूंगा साइज माइनस वन, एल्स रिटर्न कर दूंगा मैं साइज माइनस टू, राइट। और फिर जो वाइल लूप आ रहा था ये वाइल लूप यहाँ खत्म हो जाएगा, सिंपल। ये रनिंग कोड हो गया पीक एलिमेंट का, चला के देख लेना, बाकी थोड़े वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेना, रनिंग कोड है पीक एलिमेंट का। आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये जो मिड निकाला, फिर हम लोगों ने देखा कि मिड को कंपेयर करना है, मिड आंसर है कि नहीं, मिड के लिए उसके ये क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा कि मिड आंसर है कि नहीं। तो मिड पता चला कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, पीक एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ इज नेबर, तो मिड को अपन कर लेंगे मिड प्लस वन से और मिड माइनस वन से। उसके बाद तो लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, तो कहाँ कैसे मूव करेंगे, जो सा भी ग्रेटर होगा, अगर मिड प्लस वन ग्रेटर हुआ तो मिड प्लस वन के डायरेक्शन में मूव करेंगे, मिड माइनस वन ग्रेटर हुआ तो मिड माइनस वन के डायरेक्शन में मूव करेंगे, सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा, थैंक्स।